हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी हमारे लिए पल पल आराध्य है, हम आराधना करते हैं। और जैसा कि कहा गया शास्त्रों में भी वर्णित है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। जितनी भाषाएं हैं सभी का उद्भव उस संस्कृत भाषा के महासागर से ही हुआ है। ऐसे ही संस्कृत की विदुषी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय कल्पना कौशिक जी। मैं उन्हें कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रण दे रहा हूं इस जन्मभूमि और जन्म भाषा को रेखांकित करते हुए। हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण के मुख्य नायक भगवान श्री राम ने भी एक जगह कहा था, ना इयम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सादर आमंत्रण है श्रीमती कल्पना कौशिक जी के लिए। आज हम सब हिंदी भाषा का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये हम सब के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी दिवस मना रहे हैं, जबकि हमारा हर दिन हर पल हर क्षण हिंदी 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 होना चाहिए, हिंदी को समर्पित होना चाहिए। हिंदी वैसे भी हमारी रग रग में समाई हुई है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो हम अपने घर में अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं, उनका सम्मान करने के लिए, उनका मान रखने के लिए, उनको प्यार दिखाने के लिए। तो उसी तरीके से हम हिंदी के प्रति अपनी सद्भावना, अपना प्यार दिखाने के लिए हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो मैं हिंदी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि हिंदी मेरा मान है, हिंदी है अभिमान। हिंदी मेरा मान है, हिंदी है अभिमान, और हिंदी से मुझको मिली एक नई पहचान। हिंदी से मुझको मिली एक नई पहचान, वरना कौन जानता था कि कल्पना कौशिक कौन है। आज हिंदी की ही है जिसकी वजह से मैं इस पटल पर खड़ी हुई हूँ, आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, वरना आज के समय में कौन किसको सुनना चाहता है। तो मैं हिंदी के लिए अपना भाव प्रस्तुत करने के लिए आगे कहना चाहती हूँ कि हिंदी का वंदन करें, हिंदी है आधार। हिंदी का वंदन करें, हिंदी है आधार, और इसकी महिमा कह रहा शब्दों का संसार। इसकी महिमा कह रहा शब्दों का संसार, क्योंकि जितने अधिक शब्द हमारी हिंदी भाषा में हैं इतने शब्द कहीं नहीं हैं। हमारे शब्दकोश में 2.5 लाख हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो हिंदी मेरा मान है, हिंदी है आधार, और हिंदी से मुझको मिला एक नया संसार। हिंदी बिन ना भाव थे, हिंदी बिन ना भाव थे, ना थे कोई विचार। हिंदी बिन ना भाव थे, ना थे कोई विचार, और हिंदी ने मुझको दिया शब्दों का संसार। हिंदी ने मुझको दिया शब्दों का संसार। हिंदी उषा की लालिमा, हिंदी उषा की लालिमा, हिंदी अंबर ज्योति। हिंदी उषा की लालिमा, हिंदी संध्या ज्योति, और हिंदी अंबर चंद्रमा, हिंदी सीपी मोती। हिंदी इसकी महिमा कह रहा शब्दों का संसार। अभिधा लक्षणा व्यंजना, हिंदी की 3 शब्द शक्तियां हैं जिनके आधार पर हम सीधे सीधे वाक्य को भी अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा है कि हिंदी लक्षणा व्यंजना अर्थों का संधान, हिंदी अभिधा लक्षणा अर्थों का संधान, अपनी समझ से लो समझ हिंदी भाव प्रधान। अपनी समझ से लो समझ हिंदी भाव प्रधान। अर्थ अनेकों हैं छिपे एक शब्द के बीच, जो अनेकार्थी शब्द हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको मैंने यहाँ प्रयोग किया है कि अर्थ अनेकों हैं छिपे एक अर्थ के बीच। अर्थ अनेकों हैं छिपे एक अर्थ के बीच, और महत्व सभी का है पृथक कोई ऊंच ना नीच। महत्व सभी का है पृथक कोई ऊंच ना नीच। और कुछ शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक के नाम से बोलते हैं, तो उनको मैंने प्रयोग किया है कि सुनने में लगे एक से, सुनने में लगे एक से अर्थ मगर विपरीत। सुनने में लगे एक से अर्थ मगर विपरीत,
और हिंदी वाणी है मधुर लेती मन को जीत। हिंदी वाणी है मधुर लेती मन को जीत। और शब्द निरर्थक जो लगें, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं जैसे अंट शंट हैं, और उनका कहीं कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब उन्हें वाक्य में प्रयोग हम कर लेते हैं तो वो सार्थक हो जाते हैं, तो उनको मैंने प्रयोग किया है कि शब्द निरर्थक जो लगें, लगे न जिनका काम। शब्द निरर्थक जो लगें, लगे न जिनका काम, और वही वाक्य में जब जुड़ें देते नव आयाम। वही वाक्य में जब जुड़ें देते नव आयाम। हिंदी के संवाद में समरसता का सार, हिंदी के संवाद में समरसता का सार, और कहीं शब्द संक्षिप्त तो कहीं गुरुता का भार। कहीं शब्द संक्षिप्त तो कहीं गुरुता का। नमस्कार, आप सबका स्नेह मिला, आशीष मिला। अब देखिए, यही तो हिंदी की महिमा है कि आप सब ने इतना सराहा मुझे, इतना सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ आप सबका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।